तो गाइस टाइम हो चुका 10:15 और अब हम निकल रहे हैं त्रिवेणी घाट नहाने के लिए। और भाई सामान वामान लेके चल रहे हैं, मैं हाथ में गंगा जल लेके निकल रहा हूँ। गाइस तो अभी हम रास्ते में और 11 किलोमीटर और रहता है, क्रीप देखना बंद कर। और अभी साइड में रोक रखा है हमने कड़ी पत्तों का, यहाँ पे तो भरमार है, तो सारा उठा लो जितना मैक्सिमम हो सके। आपको दिखाता हूँ, एक मिनट रुक जाइए। ये सारे कड़ी पत्ते हैं, बस यहाँ से लेके जहाँ तक देख लो साइड में सारे ये कड़ी पत्ते हैं। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं त्रिवेणी घाट पे, और ये सबसे बढ़िया इस घाट का लगता है, ना ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है और ना ज़्यादा मतलब हलचल वलचल ज़्यादा नहीं होती, बट ठीक ठाक ही रहता है, फ्लो भी काफ़ी सही है और मज़ा आता है यहाँ पे। एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए पानी का बहाव भी अच्छा खासा है और काफ़ी सही है। यहाँ हमने गाड़ी लगा दी है, इधर गाड़ी लगी है, और अब जल्दी से नहावा के फिर खाना खा के निकलते हैं। ओ भाई साहब, गाइस अभी मैं आया हूँ अपने कॉलेज में, एक्चुअली मेरे कॉलेज में था करण, उसके घर। मौसम बहुत सही हो रहा है, नहीं कहूँगा ये रहा करण के लिए मेरे। और अब हमारे प्लान चेंज हो रहा है, दिल्ली ना जाके शायद हम देहरादून मसूरी के लिए निकल जाए, और ये जो एक दिन का ट्रिप था, एक दिन नहीं कुछ घंटों का ट्रिप था, वो अब चेंज हो चुका है 2 दिन के ट्रिप में। और बाकी अब पता नहीं देहरादून जाने के बाद पता चलेगा कि हम वहाँ रुक रहे हैं या नहीं। अगर मैं आपको दिखाऊँ, नहीं है भाई साहब, मैं आपको इतना शानदार जगह, इतना शानदार जगह। और ये इसके घर का बैक साइड है, ठीक है, और फ्रंट बिल्कुल मेन रोड है, सही है, बहुत सही है। छोड़ रखी है दिल्ली वाले ये सारे। तो गाइस फाइनली हम देहरादून एंटर कर चुके हैं। रास्ते में आपने देखा काफी ज्यादा बारिश हो रही थी, बहुत तेज आंधी तूफान, एंड सुबह से कुछ खाया नहीं है यार। फिर अभी अपने फ्रेंड के पास चला गया था, फिर वहां से निकला तो बारिश इतनी तेज हो रही थी कि एक दो रेस्टोरेंट मिले भी थे बट गाड़ी से उतरने का बिल्कुल ही मौका नहीं मिला बारिश के कारण। एंड अभी देहरादून में आ चुके हैं घंटा घर के पास पंजाब रेस्टोरेंट में, अब इसमें खाते और देखते कि कैसा है और फिर आपसे बात करते हैं। सो अभी हम लोग आ चुके हैं मसूरी, देहरादून में खाना वाना सब खा लिया, और खाना काफ़ी सही था, टेस्टी था, थोड़ा ओवर प्राइस रेस्टोरेंट था वो, बट ठीक है, सही था। और इस मैगी के साथ ये है मेरी डेट, मेरी प्यारी मम्मा। तो गाइस कम से कम 7-8 प्लेट मैगी खा चुके हैं और अब फाइनली निकलेंगे घर। यहाँ से है 6 आवर्स और 12:30 बजे हम पहुँचेंगे। तो अभी यहाँ पे गाड़ी घुमा ली है और अब यहाँ से निकलने वाले हैं हम लोग, इस रास्ते से नीचे उतरेंगे और फिर यहाँ से देहरादून और फिर वापस वही रास्ता चलते हैं, और जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं सारे डिस्टेंस। और बड़ी
एंड गाइस वापस आ चुके देहरादून और उस समय करण से मिला था और अब ये आ गया है मेरा बेटा सचिन, यहाँ तैयारी कर रहे हैं एसएससी की। तो यहाँ से निकल रहे थे तो सोचा कि जाते जाते एक बार मिल लेता हूँ। तो अभी यहीं पे वो रुका हुआ है इस फ्लैट में फॉर 15 डेज और अब इससे मिल के बस यहाँ से निकल ही रहा हूँ। भाई टाइम हो चुका 9:30 और अभी हम सहारनपुर पहुंच चुके हैं। यहाँ से घर है और करीब करीब 200 किलोमीटर और वो कवर करने के बाद अभी जरा रुके वॉशरूम ब्रेक के लिए, वो जल्दी से कवर करते हैं और फिर मुझे लग रहा है शायद एक सवा एक हो जाएगा घर पहुंचते पहुंचते। गाइस फाइनली टाइम हो चुका है 11:20 और हम आ चुके हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे एंड यहाँ पे टोल प्लाजा पे आ चुके हैं। जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। मेरठ वाला टोल प्लाजा 1:40 और दिखा रहा है घर 95 किलोमीटर। सुपर फास्ट यार।